सो प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल बेस्ड ऑन व्हाट बेटा? प्रैक्टिकल बेस्ड ऑन इन्वेंट्री वैल्यूएशन. ओके, प्रैक्टिकल बेस्ड ऑन व्हाट बेटा? इन्वेंट्री वैल्यूएशन. सो सी, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर स्टोर लेजर एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एज पर फीफो. एज पर फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, एज पर फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड. एंड आपको इसमें वेटेड एवरेज कॉस्ट का भी करना है. तो पहले हम लोग फीफो करेंगे. And after that, in next lecture, we will do weighted average cost. और weighted average cost का कुछ बोला नहीं है कि कौन सा सिस्टम फॉलो करना है. तो क्या बताया था मैंने थियरी में, अगर ऐसा कुछ भी दिया नहीं है कि विच सिस्टम वी हैव टू फॉलो, सो वी हैव टू टेक perpetual सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री बॉडीज, perpetual, correct? तो याद रखना, भूलना नहीं उसको. तो चलो आ जाओ, डेट दिया है 2016. अब आपको एग्जाम में 2020 भी हो सकता है, 2021 भी हो सकता है. डेट ईयर में कोई टेंशन नहीं लेने का, जो रहेगा वो दिखाने का बस. सो 2016 जैन 1, ट्रांजेक्शन है, यूनिट्स है, रेट पर यूनिट है. तो चलो बच्चों, जैन 1 में बैलेंस है. ये बैलेंस कौन सा है? अपना ओपनिंग बैलेंस, राइट. कितना यूनिट्स है? 500 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 40. ओपनिंग मतलब स्टार्टिंग में आ जाएगा ओपनिंग बैलेंस, ठीक है. उसके बाद जितना भी सेल्स है वो सब किधर जाएगा? इशू में. सेल्स मतलब गया ना, तो उसको दिखाएंगे हम लोग, फॉर्मेट करेंगे. तो याद रखना, ये तो खाली दिया है, सेल्स है, परचेज है, तो स्टॉक बढ़ जाएगा तो रिसिप्ट में आ जाएगा बस. बाकी ऐसा कुछ दिया नहीं है, बाकी सब तो नॉर्मली जब आप सम करोगे तो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप देखोगे कि क्या है. हाँ, सिर्फ एक चीज याद रखना, आप स्टोर लेजर बना रहे हो, आप वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट कर रहे हो, तो आपको सेल्स का जो प्राइस रहेगा ना बेटा, सेल्स का प्राइस वो देखना भी नहीं, उसको कंसिडर मत करना. सेलिंग प्राइस हम कंसिडर नहीं करते स्टॉक वैल्यूएशन के टाइम पे, समझा. तो सेल प्राइस इधर जो भी दिया है उसको देखना भी नहीं, उसको कैंसिल कर देना. नहीं तो गलती से लिख दिया ना तो तुम्हारे मार्क्स का सेल हो जाएगा, याद रखना, ठीक है. चलो, अच्छा एक और आपको डेटा दिया है बेटा, क्या है? शॉर्टेज ऑफ 15 यूनिट्स वाज फाउंड ऑन 31 जैन 2016. अब बोलता है 31 जैन, मतलब 26 के बाद ही आएगा ना 31 जैन, ठीक है. तो 31 जैन को शॉर्टेज कमी मालूम पड़ी. भाई शॉर्टेज है, शॉर्टेज का मतलब इशू में ही जाएगा ना. अरे भाई एक्सेस मालूम पड़ा होता तो रिसिप्ट में रहता कि बड़ा है, बट शॉर्टेज है तो इसका मतलब क्या हुआ? गया, कम हो गया. So, इश्यू में दिखाना पड़ेगा भाई उसको, समझे. तो ये क्वेश्चन है अपना. अब इस क्वेश्चन को हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो मालूम पड़ेगा कि कैसे क्या करना है. सो लेट्स गेट रेडी एवरीवन टू सॉल्व द सम विथ प्रॉपर फॉर्मेट, कम ऑन. सो फॉर सॉल्विंग दिस सम सॉल्यूशन, इफ कंपनी नेम इज गिवन सो शो एट द टॉप, बट कंपनी नेम इज नॉट गिवन सो नो नीड टू शो इट हियर. डायरेक्टली स्टार्ट विथ व्हाट? Store ledger. What we have to prepare? We have to prepare store ledger. So store ledger under which method? FIFO method. First in, first out. So अभी देखो इसमें कैसा, पहला जो कॉलम रहेगा वो आपका डेट का हो जाएगा. सेकेंड वन रिसिप्ट हो गया आपका, रिसिप्ट आया कितना, स्टॉक आया कितना, राइट. इश्यूज गया कितना, और बाद में बैलेंस कितना बचे. रे बाबा बैलेंस बराबर है, रिसिप्ट और इश्यू का एडजस्ट करके बैलेंस कितना, राइट. तो ये आपका फॉर्मेट है. अब इसमें भी बाइफर्केशन करना है. क्या बाइफर्केशन करना है बाबा, आ जाओ बताता हूँ. देखो क्या ये बाइफर्केशन है. यस, देखो अभी बाइफर्केशन करने के लिए माय डियर स्टूडेंट्स, डायरेक्टली ये दिख रहा है, ये ऐसा बाइफर्केट कर दो, एक लाइन ड्रॉ कर दो, सिंगल लाइन. नाउ अब देखो, सबसे फर्स्ट तो इधर आ जाएगा आपका डेट गॉट इट, क्या रहेगा बेटा डेट. फिर आपका ये साइड में सबसे पहला आ जाएगा रिसिप्ट हो गया. चाहिए तो रिसिप्ट को मैं दूसरे कलर में लिख देता हूं, रिसिप्ट. इधर हो जाएगा आपका इशू, राइट है, रिसिप्ट इशूज. भाई इशूज मतलब इधर जो जा रहे हैं वो वाले इशूज नहीं,
चलो रिसिप्ट इश्यूज और फिर फाइनली व्हाट बैलेंस, व्हाट बैलेंसेस, कितना बैलेंस बचा, राइट अ बैलेंस, राइट क्लियर, याद रखना इसको। चलो डेट रिसिप्ट इश्यू एंड बैलेंस, अब बचा इधर भी देखो, इधर भी देखो, रिसिप्ट में भी आपको बायफर्केशन करना पड़ेगा, यूनिट्स रेट अमाउंट, यूनिट्स रेट अमाउंट। सो आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, यूनिट्स, डियर स्टूडेंट्स, यूनिट्स रेट और अमाउंट, यहां भी वही चीज, यहां भी होगा, यहां भी होगा और बैलेंस में भी होगा। चलो तो रिसिप्ट अब इश्यूज में भी आपका वही सेम, यूनिट्स रेट और रुपीस, और बेटा बैलेंस में भी वही हो जाएगा, यूनिट्स रेट और फाइनली बैलेंस में तो वैल्यू निकालते हो, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, बराबर है। सो यहां भी वही चीज, यूनिट्स रेट और वैल्यू, ठीक है। तो पहले पूरा स्ट्रक्चर बना लेने करे बाबा, ठीक है। चलो आ जाओ, अब इधर मैं दिखा देता हूं क्या क्या है अपना, यूनिट्स पहला, इधर यूनिट्स रेट एंड देन रुपीस, here also units rate rupees, यहां भी वही चीज, units rate, अब finally balance में आपको closing stock मिलता है, so चाहिए तो value, यही मतलब है value in rupees, मतलब वही चीज है, same है, ठीक है। तो ये आपका format arrange हो गया, this is what your format, एक बार format arrange हो गया फटाफट कर लेंगे, आ जा। चलो सबसे पहले आपका डेट देखो, पहले क्या है, 2016 ईयर, 2016 है और जैन 1 है, देख सकते हो आप इधर। तो सबसे पहला ईयर, ईयर क्या है बेटा, 2016, तो एक बार ईयर लिख लो तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो स्टार्टिंग में ईयर डाल देना जनवरी 2016, ठीक है, जनवरी 2016, Garrett? चलो अब जनवरी 2016 में सबसे पहला ट्रांजेक्शन, पहला ओपनिंग बैलेंस देखने का, यस इट इज, ओपनिंग बैलेंस है क्या आपने पास, यस इट इज, बैलेंस इज गिवन, ओपनिंग है, बैलेंस मतलब ओपनिंग, 500 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 40 पर यूनिट, सो आ जाओ। सो फर्स्ट वन जैन 1, बराबर है जैन 1, अब देखो क्या करना है आपने को, डायरेक्ट 1 ही लिखो ना, क्योंकि जनवरी 2016 तो टॉप पे लिखा ही है आपने इधर, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं ना, जैन जैन फिर से वन आया मतलब जैन वन है वो। चलो ओपनिंग बैलेंस है, तो सबसे पहला ओपनिंग बैलेंस तो कॉमन है, तो डायरेक्टली लिखने का ओपनिंग बैलेंस के लिए, देखो क्या सबसे पहला ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस ऐसा डायरेक्ट लिख सकते हो आप, ओपनिंग बैलेंस के लिए कोई आपको कॉलम देखने की जरूरत नहीं है, ओपनिंग बैलेंस ऐसा दिखाओ और लास्ट में बैलेंस में दिखना चाहिए, कितना है 500 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 40, कितना आ जाएगा 500 इंटू 40, यस क्या बात है, 20,000 हो गया बस। सो दिस इज फॉर ओपनिंग बैलेंस, करेक्ट। चलो अब ओपनिंग बैलेंस के बाद नेक्स्ट वन आ जाओ, नेक्स्ट क्या है बेटा, देखो इधर नेक्स्ट आपको दिया है बच्चों सेल्स है, सेल्स, सेल्स मतलब किधर आएगा, इशू में 300 यूनिट्स है, और मैंने क्या बोला, सेल का प्राइस नहीं देखने का, आप क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू कर रहे हो तो सेलिंग प्राइस नहीं लेना आपको, सेल प्राइस इज टू बी इग्नोर्ड, इग्नोर मार देना, बराबर है, राइट। सो 300 यूनिट्स आपका क्या है बेटा, इशू है। तो मेरे प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, डेट क्या है अपना, सेकेंड जैन है और हम इशू में आ रहे हैं, सेकेंड है इशू मतलब इधर आ जाओ, सेल है मतलब इशू में दिखाओ कितना यूनिट, 300, तो 300 जाएगा किधर से,
अपने पास बैलेंस है ना बेटा, इधर ही से 300 निकल जाएगा, 300 इश्यू होगा, रेट कौन सा, जो रेट इधर दिख रहा है ना वही रेट यूज होगा, तो 300 एट द रेट ऑफ 40, तो 300 इंटू 40 कितना हो गया 12,000, सिंपल 12,000 निकल गया ना, बराबर। ऐसा करने का मतलब देखने का, बैलेंस है ना अपने पास, वो बैलेंस में से 300 जाएगा, 300 गया और रेट क्या है, वो बैलेंस का रेट क्या है 40 है, तो 40 का रेट यूज करो, दैट्स इट, सिंपल। अब आ जाओ, अब बैलेंस निकालो जरा, अब देखो बच्चों 500 बैलेंस था आपके पास, 300 चला गया, तो बचा कितना 200, भाई क्लोजिंग कितना बच रहा है 200, रेट क्या रहेगा वही सेम 40, ये इसी का बचा है ना, 500 में से 300 गया तो इधर 200 बचा है ना बेटा, तो 200 रेट क्या है इसका 40 है, तो 200 into 40 कितना हो गया 8,000, that's that, that's it, got it, चला क्लोज करो इसको, ये भी हो गया खत्म, सेकेंड वाला भी डन। चलो अभी नेक्स्ट देखो क्या है बेटा, नेक्स्ट वन सी हियर, अब नेक्स्ट बोलता है मेरे प्यारे बच्चों, परचेज है परचेज 800 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 44, तो परचेज के लिए तो नॉर्मल 800 एट द रेट ऑफ 44, परचेज है तो कॉस्ट ही है ना, तो कॉस्ट तो रिकॉर्ड होगा ही 44 के हिसाब से, तो चलो अब इधर है आपका परचेज कितना है 800 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 44, चलो मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 35,200 आ रहा है क्या, चेक करना कैलकुलेशन में ध्यान देना, किधर भी कैलकुलेशन का एरर होगा तो चैट बॉक्स में मैसेज करो, ठीक है 800 इंटू 44 35,200 बराबर, ये परचेज है। अब सुनो ध्यान से सुनना, अब देखो आपके पास तो पहले से 200 का स्टॉक है बराबर, अब ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में क्या करना है, जो पहले से है उसको पहले उतार लो, वो तो कुछ गया नहीं है अपने पास से, ये तो सेम हो गया 200 एट द रेट ऑफ 40, जस्ट ऊपर का देखो 200 एट द रेट ऑफ 40 और ये 8,000, और अभी जो नया स्टॉक आया परचेस किया वो जस्ट उसके नीचे 800 एट द रेट ऑफ 44 35,200 इसी को बोलते बेटा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो कभी भी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में जो स्टॉक पहले से है वो दिखा दो और जो नया आया वो उसके जस्ट नीचे आ जाएगा, बराबर है जस्ट नीचे, ओके वेरी गुड कुंदन शाबाश, ये जैन 6 है, ट्रांजेक्शन का डेट है जैन 6, शाबाश बेटा, ठीक है तो ये हो गया अपना स्टॉक आ गया, बस फिनिश, दैट्स इट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में आपको अलग अलग से दिखाना, मतलब सेपरेटली दिखाना है, 200 तो पहले से था और एक परचेस किया तो 800 और एड हो गया, तो अलग से आ गया, सेपरेटली अपने को शो करना, ठीक है चलो। तो ये भी डन, अब आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट वाला क्या है, जैन 6 के बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन विल बी व्हाट, सी अब ट्रांजेक्शन है जैन 8 का, इसमें सेल है 400 यूनिट्स और सेल के लिए तो रेट लेना ही नहीं अपने को, सेल के लिए तो भाई जो अपने पास स्टॉक है उधर ही से सेल होगा ना, तो 400 यूनिट सेल है, हाँ याद रखना 8 को, जैन 8 को, तो आ जाओ मेरे बच्चों, सो 8 को 400 यूनिट सेल है। अब सुनो जाएगा किधर से 400 यूनिट्स, ये स्टॉक दिख रहा है इधर ही से जाएगा ना बेटा, तो चलो 400 यूनिट अपने को सेल करना है, इशू करना है, तो 400 के लिए पहला तो 200 यहां से पूरा निकल जाएगा, चलो 200 एट द रेट ऑफ 40 और 8,000 बराबर, ये हो गया अपने को सेल कितना करना है 400, तो अभी कितना हुआ सिर्फ 200 ना, तो बचा कितना है 200 और, अब 200 किधर से लोगे, किधर से लोगे सेल करने के लिए, इधर से, क्योंकि ऊपर तो खत्म हो गया, तो इधर से लोगे 800 से, है कि नहीं, यस वेरी गुड रविदा, चलो सो 800 में से आपने 200 और ले लिया, रेट क्या है इसका 44, अमाउंट निकाल लो 200 इंटू 44 मतलब 8,800, दैट्स इट। अब चेक कर लो आपका सेल 400 था, 400 यूनिट्स गया क्या, 200 प्लस 200 400, यस इट इज, यस गया, समझा। चलो अभी बच्चों आ जाओ, अब क्या करना है, अब देखो 800 में से 200 इधर भी गया, देखो ये वाला ऊपर वाला तो खत्म हो गया, उसका तो गेम ओवर हो गया, ठीक है
अब 800 में से 200 गया तो बचा कितना स्टॉक, 600 का स्टॉक बचा, रेट है 44 और 600 इंटू 44 करेगा तो कितना आएगा 26,400। तो कैलकुलेशन जरा चेक करना भाई, इधर भी कैलकुलेशन में एरर रहेगा तो बताना क्योंकि मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ ओरली। 44 इंटू 6 दैट इज 264 और 20। यस वेरी गुड रावित, शाबाश बेटा, चल ठीक है, यहां तक कैलकुलेशन में कोई एरर देख लेना, रहेगा तो बताना, रहेगा तो तुरंत बताना मैसेज में, नहीं तो पता चला एक एरर की वजह से पूरा सम हो गया फिर बाद में बता रहे हो अरे सर ये एरर था, कैलकुलेटर लेके बैठो इसलिए सब लोग। क्या अपना विदाउट कैलकुलेटर है तो विदाउट कैलकुलेटर में हो सकता है कभी कभी मिस्टेक हो सकता है। चलो तो ये डन, चलो बेटा जैन 8 भी हो गया। अब नेक्स्ट वन क्या है, नेक्स्ट वन देखो आ जाओ। अच्छा नेक्स्ट वन भी बेटा सेल है, ये देखो 12 में भी सेल है 300 यूनिट्स, ठीक है कोई बात नहीं कर देते यार, उसमें क्या टेंशन है, 8 के बाद 12 है, 8 के बाद अपना 12 है, 12 में भी सेल है, 12 में भी सेल है, सेल मतलब इशू है, इशू है तो भाई इशू में दिखाओ ना यार, ठीक है सेल में दिखाओ, 300 यूनिट्स है, कितना है 300, तो जाएगा किधर से, ये दिख रहा है कितना बचा अपने पास 600, तो 600 में से 300 इशू करो ना यार, रेट अपना 44, तो 300 इंटू 44 करेगा तो कितना आ जाएगा 13,200, बराबर है 300 इंटू 44 किया तो 13,200। चलो बचा कितना स्टॉक भाई, स्टॉक देखो 600 में से 300 गया तो 300 ही बचा ना, और रेट अपना 44 है, अमाउंट 13,200 आएगा, कॉमन से बात है हाफ गया तो अदर हाफ बचा, सिंपल। यस वेरी गुड राविता, परफेक्ट बेटा। चलो अब बच्चा इसको अभी क्लोज करो, मतलब फॉर्मेट के हिसाब से फॉर्मेटिंग कर दी हमने। चलो नेक्स्ट, अभी ये 12 का भी हो गया, 12 के बाद नेक्स्ट वन इज व्हाट, नेक्स्ट वन इज व्हाट 14, नाउ इन 14 व्हाट इज गिवन, 14 में आपका परचेज है, परचेजेस, परचेज मतलब खरीदा है, आया है, रिसेप्ट हुआ है 400, सो कम ऑन शो इन रिसेप्ट साइड दैट इज 400 एंड देयर इज व्हाट 14, सो 14 में इधर दिखा देने का 14 क्या 400 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 50, so 400 at the rate of 50 that is 20,000, बराबर है बच्चों 400 at the rate of 50 that is 20,000। अब आ जाओ इधर, आ जाओ इधर, तो 300 at the rate of 44 13,200 ये तो फिक्स हो गया। देखो अभी परचेस किया तो स्टॉक बढ़ेगा ना, तो पहले से जो स्टॉक है उसको दिखा दो आप, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में जो पहले से उसको दिखाओ, फिर जो परचेस किया वो जस्ट अलग से नीचे दिखाने का, तो 300 इंटू 44 13,200 ये तो सेम हो गया, और फिर जो नया आया, नया आया तो स्टॉक बढ़ गया, अरे बाबा दिखा दो नीचे 400 एट द रेट ऑफ 50 दैट इज 20,000, गेट इट, ओके ऐसे ही करने का, सी दिस वन वी हैव डन इज हियर, हियर आल्सो वी हैव डन सेम एज दिस, वी आर डूइंग दिस, ओके सो कम ऑन देन, अभी आ जाओ बच्चों, चलो करते हैं इसको भी क्लोज, आ जाओ 14th ऑल्सो डन, आफ्टर 14 नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट 26, ओ माय गॉश 26 में इशू है, मतलब सेल है बेटा, सेल राइट 26 में सेल है ना बेटा, अभी 26 में क्या बेटा आपका सेल है, सेल मतलब इशू, ठीक है तो इशू आ जाओ 600, सो 26 डेट इज व्हाट 26 है और इशू है, इशू मतलब कितना इशू है बेटा 600 है, देखो ध्यान देना बच्चों, इशू कितना बच्चा 600 है, यू कैन सी हियर इशू है 600, अब 600 इशू जो करना है आपको, आ जाओ इधर देखो आपके पास स्टॉक बचा है कितना है 300 एट द रेट ऑफ 44, तो पहले तो इधर से चला जाएगा 300, तो दिखा दो इधर, तो
तो पहला 300 इधर से गया, 300 एट द रेट ऑफ 44 दैट इज 13200। अब मेरे प्यारे बच्चों आपका इश्यू टोटल कितना होना चाहिए, 600 होना चाहिए, बट अभी कितना हुआ है सिर्फ 300। तो बाकी 300 किधर से लेगा, इधर से 400 वाले स्टॉक में से, तो इधर से भी 300 ले लो एट द रेट ऑफ कितना इसका 50, तो 300 इंटू 50 हो गया 15,000, दैट्स इट। बराबर क्लियर? इसका मतलब आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा, मतलब स्टॉक कितना बचा इधर, 400 में से 300 गया तो बचा कितना 100, रेट 50, तो अमाउंट है 5,000। बराबर है बच्चा? यस करेक्ट करेक्ट, ठीक है। चल तो ये भी हो गया आपका, उसके बाद आ जाओ। चलो मेरे प्यारे बच्चों ये भी डन। अब क्या है बेटा, अब और कुछ है क्या? यस इट इज, सी व्हाट इज गिवन हियर, शॉर्टेज ऑफ 15 यूनिट्स, यू कैन सी हियर शॉर्टेज ऑफ 15 यूनिट्स वाज फाउंड ऑन 31 जनवरी 2016। बेटा शॉर्टेज हुआ मतलब कम हुआ ना, और कम हुआ तो किधर जाएगा यार, इश्यू में ही जाएगा ना, इश्यू होता है तो कम ही होता है ना स्टॉक अपना। तो कभी भी शॉर्टेज आया तो याद रखना बच्चों, वो इशू में जाना चाहिए, इशू में नहीं गया ना तो बड़ा इशू हो जाएगा मार्क्स का, याद रखना। चलो आ जाओ, सो 26 के बाद 31 है, सो 31 इज व्हाट बेटा शॉर्टेज, सो शॉर्टेज इज व्हाट फॉर 15 यूनिट्स, सो सी शॉर्टेज 15 यूनिट्स, सो राइट हियर 15 यूनिट्स। अब रेट क्या लेगा, टेंशन में आकर सर रेट क्या ले, अरे बाबा रेट शॉर्टेज है तो ये दिख रहा है ना स्टॉक इधर कितना है ऊपर 15 है, उसका ही रेट जाएगा ना, उधर ही से शॉर्टेज होगा, उधर ही से कम करोगे आप, उधर ही से निकालोगे, सो रेट आपका 50, तो 15 इंटू 50 किया तो 750 आ गया बच्चा। बराबर क्लियर? चल सो 100, अब आ जाओ 100 माइनस 15, तो फाइनली आपके पास जो स्टॉक बच रहा है वो है 85। बराबर है? रेट क्या है, वही 100 में से 15 गया तो 85 बचा, रेट आपका 50 है, 85 इंटू 50 किया तो 4250, दैट्स इट, बस हो गया, यही आपका स्टॉक है बच्चा, यही आपका स्टॉक है, यही क्लोजिंग स्टॉक है बाबा। बराबर है? एट द एंड ऑफ द मंथ, मतलब 31st का क्लोजिंग स्टॉक ही है। तो एक सेंटेंस लिखने का अपने, यू हैव टू राइट वन सेंटेंस आल्सो दैट व्हाट, सी आई राइट हियर, देखो देयरफॉर व्हाट यू हैव टू राइट, सब होने के बाद देयरफॉर व्हाट द वैल्यू ऑफ स्टॉक, देयरफॉर see, so we can say that therefore what value of stock, therefore the value of stock, मतलब value of closing stock ही हो गया वो, क्योंकि date अपना 31st जैन का ही लिख रहे हैं, therefore the value of stock as on 31st Jan 2000 क्या था अपना 16 था ना, 31st Jan 2016। बराबर है? देखने का अपना ईयर कौन सा था, 16 था ना, तो 16 ही लिखने का बच्चा। बराबर है? सो देयरफॉर ये देखो ना इधर, यू कैन सी हियर 16 है ना, सो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 31st Jan 2016 कितना हो जाएगा, देखा देने 85 यूनिट्स एट द रेट 50, एट द रेट व्हाट 50 पर यूनिट। बराबर है? इज इक्वल टू कितना आया था अपना 4250, या 85 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 50 लिखा तो मतलब वो पर यूनिट का ही है ना बेटा, सो कितना आ गया 4250, दैट्स इट। ये एक सेंटेंस दिखा देने का,
अंडरस्टैंड ओके गॉट इट फिनिश. सो अपना सम इधर हो गया फिनिश. ऐसे पूरा स्ट्रक्चर फॉर्मेट रहना चाहिए आपका रेडी. मालूम पड़ा समझ गया. तो इसको एक बार प्रैक्टिस करना घर पे अच्छे से समझ के, फिर वेटेड एवरेज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. नेक्स्ट लेक्चर यू विल जॉइन नेक्स्ट लेक्चर वेटेड एवरेज समझा अच्छे से. वेटेड एवरेज में सब एवरेज करना है वो बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में ओके.